हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की शुरुआत करते हैं अभी अपनी मॉर्निंग की चाय के साथ में, बिकॉज़ उसके बिना कुछ काम नहीं हो सकता। और जब तक चाय बन रही है तब तक मैं आपको अपना आज का स्केड्यूल बता देता हूँ। जो वैसे तो वही नॉर्मल रूटीन रहेगा, बेसिकली सबसे पहले द हिंदू एंड जो भी न्यूज़पेपर है, ठीक है, और जो प्रीवियस जितनी भी अपनी करंट अफेयर रहती है लास्ट डे की, उनका रिविज़न, और उसके बाद में मूव करेंगे हम अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पे। तो अभी तो आपको दिख रहा होगा ये स्लोमो चल रहा है चाय का, तो कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। सो द हिंदू पढ़ते टाइम है ना बच्चों को ध्यान देना चाहिए, जितनी भी पॉलिटिक्स के जो न्यूज़ है ना मोस्टली उनको अवॉइड ही करना चाहिए, ठीक है। कोई किसी के ऊपर कोई कमेंटबाजी कर रहा है वो सब अपने काम का नहीं है। अपने काम का जो है वो बेसिकली रहेगा कि कौन कौन सी गवर्नमेंट ने स्कीम्स स्टार्ट कर रखी है, कौन सी नई रिपोर्ट्स आई है, उनकी फाइंडिंग्स क्या है ना, या फिर एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगी, तो उनको मार्कअप यहाँ पे करने का मैं ट्राई करता हूँ। और जो भी मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है मैं उसको हाईलाइट कर लेता हूँ और बाद में इसी न्यूज़पेपर को सेव कर लेता हूँ, और जैसे ही टाइम मिलता है मेरे को फिर बाद में इनकी मैं PDF वगैरह अपनी बना लेता हूँ अलग से, ताकि जिनका मैं बार बार अपना रिविज़न कर सकूँ। सो जैसे ही हमारा द हिंदू कंप्लीट होता है उसी के साथ मैं अपनी करंट अफेयर का, जो नई करंट अफेयर आ जाती है तब तक उसका अपना रिवीजन स्टार्ट कर देता हूँ और उसकी रीडिंग स्टार्ट कर देता हूँ। और बेसिकली इसके लिए मैं 3 वेबसाइट्स को फॉलो करता हूँ मेनली, एक तो हो गया दृष्टि, देन IAS बाबा, और लास्ट में इनसाइट्स ऑन इंडिया। तो वहाँ पे जितने भी डेली के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनको भी अटेम्प्ट करता हूँ। अभी आपने चैप्टर नंबर 4 देखा है, वो बेसिकली कौन सी बुक से है, वो है बिपिन चंद्रा की मॉडर्न हिस्ट्री की जो बुक आती है, एक पतली सी बुक आती है, करीबन 14 चैप्टर्स हैं उसके अंदर। तो ये मैंने उसके अपने नोट्स खुद के बना रखे हैं जिनका रिवीजन मैं कंटिन्यू करता रहता हूँ। और इसी के साथ यहाँ पे करीबन कुछ ही टाइम के अंदर खुद के नोट्स बनाने का एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि काफ़ी कम टाइम लगता है आपको उसकी बार बार रिवीजन करने का, तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। दोस्तों यहाँ पे है ना हर एक चीज़ यहाँ पे दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बिहाइंड द सीन मेरे को क्या है ना कि मैं काफ़ी बार ये है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए अपना, है ना, टेस्ट पेपर्स वगैरह हो गए, वो भी सोल्व करते रहता हूँ, और आंसर राइटिंग भी फ़िलहाल अभी के लिए तो कर ही रहा हूँ, इस मंथ तो करूँगा, और नेक्स्ट मंथ से ज़्यादा फोकस रहेगा अपना प्रीलिम्स पे कि मैक्सिमम जितनी हो सकती है अपनी टेस्ट सीरीज़ वगैरह उनको सोल्व किया जाए और इनको बार बार पढ़ा जाए,
ताकि जो भी टॉपिक हो या फिर स्टैंडर्ड बुक्स के हों वो अपने अच्छे से कवर हो जाए, है ना, बाद में दिक्कत ना हो किसी भी तरह की, इस वजह से। और इनमें भी कुछ बुक्स हैं जो लाइक मैं पर्सनली मेरे को काफ़ी अच्छी लगती हैं, और अगर उनको आपको चाहिए है तो मैं उनका लिंक भी यहाँ पे नीचे मेंशन कर दूँगा, तो एक बार वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो।